आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू स्टोरी। समटाइम्स कई बार ए टॉय एक खिलौना दैट समवन हैज प्लेड विद बिफोर, जिसके साथ पहले किसी ने खेल रखा है, एंड इज गिवन टू यू, और वह तुम्हें देता है, कैन प्रोवाइड मैनी आर्स ऑफ फन, वो उससे कई गुना खुशियाँ बढ़ सकती हैं। ठीक है, रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ो, अबाउट मार्सेला एंड हर न्यू फाउंड डॉल, जो किसके बारे में है, मार्सेला के बारे में और उसे मिली नई गुड़िया के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब मार्सेला वाज प्लेइंग इन द एटिक, मार्सेला खेल रही थी एटिक में। एटिक क्या होता है? स्टोर रूम में। एट ग्रैंड मा हाउस, कहाँ पे? ग्रैंड मा के घर, मतलब अपनी नानी के घर या दादी के घर भी हो सकती है। शी सा, उसने देखा, एन ओल्ड बॉक्स, एक पुराना बक्सा, इन ए कॉर्नर, कोने में, उसने कोने में एक पुराना बक्सा देखा। सी रेन टुवार्ड्स द बॉक्स, वह बक्से की तरफ भागी। फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से, शी पुल आउट ए लार्ज बंडल ऑफ क्लोथ्स, उसने बाहर निकाले लार्ज बंडल ऑफ क्लोथ्स, मतलब कपड़ों का पूरा बंडल ही निकाल लिया। शी फाउंड ए फनी लिटल हैट विथ लॉन्ग वाइट रिबन, उसे क्या मिला? शी फाउंड, उसे मिला फनी लिटल हैट, फनी मतलब मजाकिया, लिटल नन्ही सी, हैट मतलब टोपी, विथ लॉन्ग वाइट रिबन, जिसमें क्या था? लॉन्ग लंबा सफ़ेद रिबन था। एंड पुट इट ऑन, और उसने उसे पहन लिया। शी ऑल्सो फाउंड एन ओल्ड रेज डॉग, और उसे क्या मिली? एक ओल्ड रेज डॉग भी मिली, विद ओनली वन शू बटन आई, जिसके पास क्या था? सिर्फ एक ही आई थी, शू बटन आई, उसकी एक ही आँख थी। गुड़िया की आँख जो है ना, वो शू बटन से बनी होती है, तो उसके पास एक शू आई थी, शू बटन आई थी। ए पेंटेड नोज, उसकी नोज जो थी वो पेंट से बनाई गई थी, ठीक है। एंड ए स्माइलिंग माउथ, और हंसता हुआ चेहरा। हर ड्रेस वाज ऑफ फुल ब्लू मटेरियल, उसका ड्रेस जो था वो फ्लू क्या था, सॉफ्ट ब्लू मटेरियल का बना था, विद प्रीटी लिटल फ्लावर्स ऑल ओवर इट, बिल्कुल प्रीटी मतलब बिल्कुल सुंदर, लिटल नन्हे फ्लावर फुल ऑल ओवर इट, उसके ऊपर थे, मतलब उसकी ड्रेस कैसी थी? सॉफ्ट ब्लू मटेरियल की बनी थी, जिसमें क्या थे? प्रीटी लिटल फ्लावर्स थे ऑल ओवर इट, पूरी ड्रेस पर। मार्सेला रेन डाउन स्टेयर्स हैप्पीली, मार्सेला भागी डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे, हैप्पीली खुशी से। टू शो द रेज डॉल टू ग्रैंड मा, टू शो मतलब दिखाने के लिए रेज डॉल को, किसी ग्रैंड माँ को, अपनी दादी माँ को। वेल, अच्छा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली? ग्रैंड माँ क्राइड, ग्रैंड माँ चिल्लाई। इट इज ओल्ड रेजडी एन, यह क्या है? ओल्ड रेजडी एन है, मतलब उसका नाम रख रखा है दादी माँ ने। शी हग्ड द डॉल, उसने, उन्होंने क्या किया? गले लगा लिया गुड़िया को, डॉल को। I had forgotten her, मैं तो इसे भूल चुकी थी। I guess she had been, in the attic for 50 years, मैं guess करती हूँ मतलब अनुमान अंदाज़ा लगाती हूँ कि वो, she has been in the attic, वह स्टोर रूम में रही होगी for 50 years, 50 साल से। डियर ओल्ड रेजडी एन, प्यारी पुरानी रेजडी एन, आई विल शू अनदर बटन ऑन हर राइट अवे, मैं, आई विल शू, सीव का मतलब यहाँ सिलना होता है, ठीक है, अनदर दूसरी बटन ऑन हर राइट वे, मैं दाई तरफ भी उसकी बटन सिल दूँगी। मेन बात क्या है, उसकी आँख एक थी ना, तो ये कह रहे हैं कि मैं दूसरी बटन भी लगा दूँगी आँख की। ग्रैंडमा वेंट, ग्रैंडमा गई, एंड गोट हर नीडल एंड थ्रेड, और क्या लिया उन्होंने? नीडल और थ्रेड, नीडल क्या होती है? सुई, थ्रेड होता है धागा। ग्रैंडमा गई और अपना सुई धागा ले आई। एज ग्रैंडमा सेव्ड
ग्रैंडमा ने सिल दिया. शी टोल्ड मर्सेला, उन्होंने मर्सेला को बताया हाउ शी हैड प्लेड विद रेजिडी एन, कैसे वह खेलती थी रेजिडी एन के साथ. वेन सी वाज ए लिटल गर्ल, जब वह नन्ही लड़की थी, लिटल गर्ल थी. ग्रैंडमा लाफ्ड, ग्रैंडमा हंसी. रेजिडी एन, नाउ यू हैव टू फाइन शू बटन आई, अब तुम्हारे पास दो फाइन शू बटन वाली आँखें हैं. यू ऑल्सो हैव ए न्यू प्लेमेट नाउ, और अब तुम्हारे पास खेलने के लिए नया साथी भी है. प्लेमेट मतलब वो दोस्त जिसके साथ हम खेलते हैं. आई होप यू बोथ विल हैव एज मच फन टुगेदर, मैं आशा करती हूँ यू बोथ, तुम दोनों विल हैव एज मच फन टुगेदर, एक दूसरे के साथ बहुत मजे करोगे. एज यू एंड आई यूज टू हैव, जैसा तुम और मैं करते थे. देन ग्रैंड मा गेव रेजिडी एन टू मर्सेला, तब ग्रैंड मा ने गेव में दे दिया रेजिडी एन को मर्सेला, रेजिडी एन मर्सेला को, ठीक है. तब ग्रैंड मा ने रेजिडी एन मर्सेला को दे दी. ओ ग्रैंड मा थैंक यू सो मच, मर्सेला क्राइड, मर्सेला चिल्लाई. एज शी गेव ग्रैंड मा ए हग, जैसे कि क्या किया, शी गेव ग्रैंड मा ए हग, उसने क्या किया, ग्रैंड मा को एक झप्पी दी, मतलब गले लग गए. रेजिडी एन एंड आई विल हैव लॉट्स ऑफ फन, रेजिडी एन और मैं बहुत सारा मजा करेंगे. एडोप